आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट जरूर कीजिए जिससे आप अपने आयुर्वेद के कोई भी तरीके और नुस्खे वहाँ से प्राप्त कर सकें। दोस्तों हम आज बैगन खाने के फायदों की बात करेंगे। दोस्तों अन्य सब्जियों की तरह जो बैगन होता है वो भी डाइट्री फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होता है। फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य और आंत्र की नियमित गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। फाइबर जो होता है वो हमारे आंत्र के मूवमेंट को बढ़ा देता है जिससे पाचन हमारा ठीक रहता है। फाइबर अंत में गैस्ट्रिक रस के स्राव को उत्तेजित करता है जिससे खाद्य पदार्थों के जो प्रसंस्करण है उसके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो हमें बैगन से प्राप्त हो जाते हैं। फाइबर हृदय रोग की समस्या में भी लाभप्रद है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करता है। इसका फायदा ये होता है कि जो धमनियां और नस हैं वो हमारी ब्लॉक नहीं होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस और दिल के दौरे और स्ट्रोक की समस्या नहीं होती है। जानते ना कितने फायदे हैं, चलिए एक एक कर फायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वजन कम करने की। बैगन में लगभग किसी प्रकार का वसा या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ये वजन कम करने या मोटापे की समस्याओं का सामना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही स्वस्थ भोजन है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो ग्रालिन हार्मोन को बनने से रोकता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग को बताता है कि हमें फिर से भूख लगी है। ये हमें भरा हुआ महसूस कराता है और ज्यादा खाने से रोकता है। इसके कारण हमारा वजन कम होता है। बात करेंगे इसके फायदों में कैंसर की। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है, लिहाजा इसमें क्या होता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना देता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। ये रक्त में सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बन जाती है। इसमें मैग्नीज होता है जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें मौजूद जो नसुनिन और क्लोरोजेनिक एसिड फ्री रेडिकल से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण भी इसमें होते हैं। मुक्त कण सेल्यूलर चयापचय के उप उत्पाद हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करते हैं और डीएनए को कैंसर की कोशिकाओं में बदलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को कैंसर और हृदय रोग सहित अन्य रोगों से सुरक्षित रखते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी तंत्रिका को बिगाड़ने, अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ऐसी सारी स्थितियां पैदा करने वाले तत्वों को ये रोक देता है जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो कैंसर से बचाव उसका रहता है। अल्जाइमर जैसे रोग नहीं होते हैं अगर आप बैगन खाते हैं तो। अगला है ये हड्डियों को स्वस्थ बनाता है। दोस्तों ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर देता है। इसमें फिनोलिक यौगिक पाए जाते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण को कम कर देते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं। इसमें लोहा और कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। बैगन में पोटेशियम पाया जाता है जो कैल्शियम के ग्रहण को बढ़ाता है। इस तरह बैगन ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये एनीमिया को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में लोहे की कमी हो गई है, इस कारण उस आदमी को एनीमिया होता है और उस एनीमिया को लगाम लगा देता है बैगन। जी हाँ, बैगन जो होता है आपके शरीर में रक्त बनाने का काम करता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि एनीमिया के कारण सिरदर्द, थकान, कमजोरी, अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो आयरन बैगन में पाया जाता है वो एनीमिया से लड़ता है। साथ ही इसमें तांबा भी होता है। ये दोनों लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत देते हैं। अगला फायदा है मस्तिष्क के लिए, ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम है उनको ये बैगन जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो संज्ञानात्मक गतिविधि और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए बूस्टर के रूप में काम करते हैं। ये न केवल फ्री रेडिकल से बचाते हैं, ये शरीर और मस्तिष्क को विषाक्त पदार्थों और रोगों से सुरक्षित रखने और मस्तिष्क के रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करके मस्तिष्क को विकसित करने के लिए तंत्रिका पथ को उत्तेजित करते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि ये आपकी स्मृति को अच्छा रखेगा और आपके मस्तिष्क में बूस्टर की तरह काम करेगा। अगला है ये हार्ट को भी ठीक रखता है। दोस्तों बैगन दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संतुलन खाने के भोजन के आधार पर घटता बढ़ता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल का दौरा, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस को रोका जा सकता है। बैगन में बायोफ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं जो रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। इस तरह से हृदय तंत्र पर तनाव कम करने में ये मदद करता है और हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है और हमारे हृदय को अच्छा रखता है। अगला है मधुमेह के लिए।
बैंगन में उच्च मात्रा में फाइबर और कम मात्रा में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो मधुमेह को संतुलित करने में मदद करते हैं। बैंगन शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन गतिविधि को संतुलित करता है और मधुमेह जैसी समस्या में मदद करता है। अगला है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। बैंगन में फॉलिक एसिड पाए जाते हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है। फॉलिक एसिड सीधे न्यूरल ट्यूब के दोष से शिशुओं की सुरक्षा करते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में फॉलिक एसिड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और ये बैंगन में आपको फ्री मिल रहा है तो आप लीजिए, करते क्यों नहीं हो। अगला है बालों के लिए। बैंगन में उच्च मात्रा में खनिज, विटामिन और पानी होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और खोपड़ी के अंदर से पोषण करने में मदद करता है। इसके लिए एक छोटे से बैंगन को मींस करें और उसे 10 से 15 मिनट के लिए खोपड़ी पर रगड़ें। अब गुनगुने पानी और हल्के शैम्पू के साथ बालों को धो लें। अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सप्ताह में इस प्रक्रिया को 2 बार करें। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की पद्धति है जिसमें बताए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान। और हाँ, हमारी वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें